हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू। आज मैं आप लोगों को ये तोरण बताने जा रही हूँ। ये देखिए, क्रिस्टल मोती का तोरण है। ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। इसके लिए हमें पहले ये टिक्की बनानी होगी, और इसके लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने मैरून और वाइट का यूज किया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें लंबी मोती चाहिए और ये गोल वाली मोती चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्रिस्टल मोती से बनाया है, आपके पास जो भी मोती हो आप उससे बना सकते हैं। देखिए, मैंने थ्रेड लिया है डल, और ये मोती, और ये लंबी मोती, और ये वाइट मोती, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ, पहले ये फ्लावर बनाना, ठीक है। पहले हम लोग 3 मोती वाइट वाली लेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 लंबी वाली मोती लेंगे, एक देखिए आगे की तरफ से डालेंगे और एक पीछे की, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहां से इसको अंदर से बाहर कर लेना है। ये देखिए, ऐसे ही कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर आना है। ये देखिए, ऐसा बन गया। अब हमें इसमें एक लंबी मोती लेनी है, और फिर से 3 मोती वाइट वाली, एक लंबी और 3 वाइट, ठीक है। और यहाँ हम लोग का धागा, हम लोगों को यहां से अंदर जाना है। देखिए, ठीक है, अब हम लोग का धागा ऊपर है, तो हम लोग अब व्हाइट वाली पहले लेंगे, फिर मैरून मोती, तो इसलिए 3 व्हाइट मोती हम लोग लेंगे पहले। 3 मोती हम लोगों ने ले लिया, अब लेंगे मैरून। ये देखिए, ये आगे की तरफ से, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग को 6 मोती लेनी है मैरून वाली, ठीक है। 6 मोती तक हम लोगों को बनाते जाना है, ये राउंड फिर हो जाएगा। नीचे आ गए, अब नीचे हम लोगों को फिर से मैरून मोती लेनी है, और फिर से 3 व्हाइट मोती, देखिए, ठीक है। फिर से व्हाइट, मैरून, ये देखिए, देख सकते हैं ऐसे बन गया। अब हमें यहां आना है, नीचे जाएंगे, नीचे से फिर ऊपर, अब यहां हम लोग 3 मोती लेंगे, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये
तरह तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर जाना है। आप चाहे तो यहीं पे एक मोती लगा सकते हैं पहले ही। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे बीच वाली मोती में। ठीक है, अब बीच वाली मोती में आने के बाद हम लोग 5 मोती लेंगे। ठीक है, अब 6 मोती का हम लोगों को घर बनाना है। तो एक मोती तो हम लोग का ऑलरेडी है यहाँ पे, इसे कॉमन लेंगे बीच वाली मोती को पहले, और 5 मोती और ऐड करेंगे इसमें। 3, 4 एंड 5, ये देखिए। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा, तो देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ आएंगे, अब हम लोगों को 3 मोती लेनी है, क्योंकि अब हम लोग ये तीनों को कॉमन लेंगे, 3 मोती और लेंगे, तो हम लोग का 6 घर बन जाएगा। ठीक है, देखिए, अब हम लोगों को यहां क्या करना है, यहां देखिए, अब हम लोग के पास ये 2 मोती है, एक बीच वाली और एक ये, तब हम लोगों को 4 मोती लेनी है। ठीक है, अब हम लोगों को 4 मोती लेनी है कॉमन, 2 मोती कॉमन लेनी है, 4 मोती लेनी है। फोर, ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने 4 मोती ले लिया। फिर से 3 मोती कॉमन लेंगे, देखिए, सेम ऐसे ही पूरा ये कंप्लीट करना है। यहां 2, तो अब हम लोगों को 4, यहाँ पे 4 मोती कॉमन लेनी है, 4 मोती लेनी है, 2 मोती कॉमन लेनी है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे 3 मोती लेनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 मोती यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। तो अब इन 3 मोती को कॉमन लेकर 3 मोती और ऐड कर देंगे, तो ये 6 मोती का घर बन जाएगा। बस हमें ये देखना है कि ये हमारा 6 मोती का घर बनना हो चाहिए। ठीक है, देखिए, अभी ये 2 है, तो अब 2 यहाँ पे 2 है,
तो अब इन दोनों को कॉमन लेके चार मोती लेंगे हम लोग। आप इस फ्लावर से पर्स भी बना सकते हैं, तोरण भी बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। अब हमें थ्री मोती लेनी है। अब यहाँ से फोर मोती लेनी है। देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे थ्री मोती लेनी है। ठीक है, अब हमें फोर मोती लेनी है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को, आप यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, फोर ये हो गया हाफ सर्कल। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, टू मोती और लेनी है और इसे सिक्स मोती का घर बनाना है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में हम लोगों को टू मोती लेनी है और ये बन गया नुक्का। देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या, हम क्या करेंगे, इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे यहाँ पे बीच में। एक मोती लेंगे व्हाइट और दूसरी साइड से, यहाँ हम हमारा थ्रेड यहाँ है इस वाले में, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में, सॉरी इस वाले में। तब हम लोग ये इसके सामने वाले से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आ गए। अब हमें फिर से ऊपर जाना है बीच वाली मोती में। बीच वाली मोती में आ गए और हमें फिर से वैसे ही सेम जैसे अभी हम लोगों ने बनाया है ना, इसे सेम वैसे ही
अभी हमें आगे भी बनाना है। ठीक है, अभी हम लोग का कितने हो गए, ये 1 लिए तो अब 5 मोती लेनी है हमें। फाइव, ठीक है, 5 मोती। अब हमें क्या, कितने मोती लेनी है, 3। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 मोती लेनी होगी, क्योंकि ये और ये दोनों को कॉमन लेनी है और एक ये ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 एंड 3 मोती और कॉमन लेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब हमें फिर से 3 मोती कॉमन लेनी होगी, इधर आकर पहले से उधर जाएंगे, तीन। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए हम लोगों का ये 2 आ रहा है, तो हम लोग को बस 4 मोती कॉमन लेनी है, सॉरी 4 मोती लेनी है, 2 मोती को कॉमन लेना है। ठीक है, अब हमें 3 मोती कॉमन लेनी है, अब हम लोग फिर से 3 मोती कॉमन लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए फिर से अब हम लोग 3 मोती लेंगे, अब 4 मोती लेंगे यहाँ पे, देखिए 4 मोती, फिर से 3 मोती,
देख सकते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पे थ्री मोती। अब बनाते जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितनी मोती लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ भी फिर थ्री मोती लेनी है। ठीक है, अब यहाँ अब हम लोग को यहाँ आना है और फिर से टू मोती। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ आ गए। अभी इसे कॉमन लिए, हम लोग को यहाँ पे टू मोती को लेना है कॉमन और फोर मोती लेंगे। देखिए सेम ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का ये कॉर्नर आ गया। अब यहां सेम हम लोग जैसे पहले वाले लाइन में किए थे ना, यहाँ पे फोर था, अब हम लोग टू लेंगे, टू मोती लेंगे व्हाइट कलर की। ठीक है, और ये सिक्स मोती का राउंड ये बन के तैयार है, देख सकते हैं आप। अब हम लोग यहाँ पे इसे गांठ दे देंगे। एक और गांठ दे देंगे। और इसे एक बार घुमा लेंगे। अब इसे हम लोग कट कर देंगे। ये देखिए ये कॉर्नर चारों तरफ से सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए 1 2 3 4, इस तरफ से भी 4, 1 2 3 4, इधर से भी 4, 1 2 3 4, इधर से भी 4 एंड इधर से भी, चारों तरफ से 4 लाइन का ये होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते। ठीक है, अब ये जो मैं तोरण बता रही हूं उसके लिए हमें ऐसे ही 7 बनाने हैं। ठीक है, 7 टिक्की बनानी है इस टाइप की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार है पूरा ये फ्लावर। ठीक है, इस फ्लावर से आप लोग पर्स भी बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं एंड बहुत सारे डिजाइन्स भी बना सकते हैं इससे। कुछ भी आप अपने हिसाब से जो भी आपको मन हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके आगे का। इससे मैं तोरण बनाना सिखा रही हूँ अभी, बाद में मैं इसका पर्स भी बताऊंगी। देखिए ये मैंने सिंपल सा डिजाइन अभी बनाया हुआ है, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बनाना बताऊंगी आपको।
ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।